ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। 36 पार्टिसिपेंट्स हो गए अभी तक। जैसे बुक डाउनलोड होती है फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं उस बुक का क्या कहते हैं ओवरव्यू भी दे दूंगा, गो थ्रू भी करवा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें से कवर कर रहे होंगे अपने कोर्स के लिए, सी शार्प कोर्स के लिए। मीनवाइल विजुअल स्टूडियो सबने इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि अब विजुअल स्टूडियो से ही प्रैक्टिस हो रही होगी। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँगा तो वहाँ पे आप बुक से देख के तमाम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे साथ साथ में, और अगर किसी को कोई इशू आता होगा तो वो स्क्रीन शेयर करवा सकता है उसी वक्त, या फिर अगर किसी की कोई भी क्यूरीज होंगी, ये जो असाइनमेंट्स दूंगा मैं उस असाइनमेंट्स के बाद आप एक सेशन हम रखेंगे जिसमें हम जो भी असाइनमेंट्स में जिनको प्रॉब्लम हुई होगी या टास्क में जो उनको भी एरर आ रहे होंगे वो फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कोशिश ये करेंगे कि ना आए होपफुली, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्डेड है और एवरीथिंग इज देयर, इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। बट एवरीथिंग हैज़ टू बी इंश्योर कि आप लोग विजुअल स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल्ड कर लें और तमाम लोगों के पास जो है ये बुक होनी चाहिए सी शार्प की। ठीक है, हमारी बुक डाउनलोड हो गई है, इंशाल्लाह मैं उसको स्क्रीन शेयर करवा लेता हूँ। तो गाइस ये वो किताब है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी शार्प। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर्स में से जो शुरू के चैप्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सी और सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या सी में कवर कर लिए होंगे। बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग की, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कंसोल, इनपुट आउटपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एंड इफ एल्स हो गया, लूप्स, फॉर, व्हाइल, एरेज, न्यूमेरिकल सिस्टम्स, फिर मेथड्स, रिकर्जन। अच्छा, इसमें हम जो है वो क्या कहते हैं चैप्टर 7 और मे बी 8 तक हम जो है वो इसको स्किप कर देंगे। चैप्टर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 जो है वो हम करेंगे लेकिन एंड में करेंगे। ये एक रिकर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह में भी। और चैप्टर 13, चैप्टर 12 भी हम एंड में कर रहे होंगे। चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 14 जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था, यहाँ पे वो क्लासेस डिफाइंड किस तरह से की जाती हैं, और एक लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो क्लास को डिफाइन करने में, उसकी प्रॉपर्टीज बनाने में, इस पे चैप्टर 14 पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो इसको एक गो थ्रू हम कर लेंगे आज की क्लास में। कोशिश में ये करूँगा कि स्टार्टिंग से तमाम चीज़ें रिकैप कर लूँ ताकि एक अब से एक पेस पे जो है वो स्टार्ट हो, और चैप्टर जिस तरह मैं पहले चाह रहा था कि हर हर चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपको टास्क दे दिया जाएगा, चैप्टर्स दे दिए जाएंगे, आप पढ़कर बैठे हुए होंगे ताकि मेरे लिए पढ़ाना ज़्यादा आसान हो जाए। फिर चैप्टर 15 है टेक्स्ट फाइल्स, ये बहुत आसान है। टेक्स्ट फाइल से कैसा डेटा रीड करते हैं, मेरी कोशिश है कि डेटा बेस से मैं डेटा आपको रीड करना सिखाऊं, और वो ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर भी अल्लाह वाला करे आपका। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आते जा रहे हैं तो मैं साथ साथ में उनको भी ऐड करता जाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीज ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स में दूंगा, डिक्शनरीज हैश टेबल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा। डेटा स्ट्रक्चर्स का एक ऑलरेडी आप लोगों का एक अलग ही जो है वो कोर्स है, तो आप लोग उसमें इसको कवर कर रहे होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना होगा इसमें इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, लेकिन हम इसको क्लास में कवर नहीं करेंगे। चैप्टर 20 इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स इसके अंदर है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर 23 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मेथोडोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम लोग एंड में कर रहे होंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं चैप्टर 11 से, कि हमारा जो मैं एक काम ही करता हूँ ना, मैं गो थ्रू करवाता भी जाता था कि आप लोगों को ना एक जो चैप्टर्स आप लोगों ने किए भी हैं वो इजीली जो है ना
इतने कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि अगर मैं इसकी डिटेल्स वगैरह आप देखूँ, बताता चलूँ कि भाई चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम क्या मीन है, बेसिक चीज़ें हैं, विजुअल स्टूडियो, डॉट नेट प्लेटफॉर्म, ये इस पर मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। इसी तरह से डॉट नेट लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकती हैं, ये सब चीज़ें। फिर चैप्टर टू में जो है डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप, ये सब भी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस टाइप होती है। फिर ऑपरेटर एक्सप्रेशंस, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें अगर कोई भी इन चैप्टर्स में आप लोगों ने खुद पढ़ना, अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें कि सर ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन चैप्टर में, मेरे पास ईमेल कर दें, या मुझे फेसबुक पे मैं एक पोस्ट डालूंगा तो उसमें मुझे कमेंट करके बता दें कि सर चैप्टर इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो वो आप जो है समझा दें। तो मैं एक काम ये करूँगा कि जितनी भी क्यूरीज होंगी, जितने भी लोगों के जिन जिन चैप्टर्स में उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उस पर अलग से सेशन लेके, अलग से क्लास लेके उन तमाम क्यूरीज को डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मैं इन तमाम चैप्टर्स को कवर नहीं करा सकता क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कवर करके आ चुके हैं। और इफ एल्स की कंडीशंस हो गई, लूप्स वगैरह हो गए, नेस्टेड लॉ, फॉर लूप, ये सब आप इसमें चैप्टर एरे, हाँ एरे का जो है वो मैं ज़रूर इसमें चैप्टर 7 ज़रूर कवर कराऊंगा, क्योंकि एरेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड इन मे प्रोग्रामिंग व्हेन यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर और डेवलप एनीथिंग। एरेज की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, एरे की इनहेंस फॉर्म्स भी आ चुकी हैं, क्लासेस की शक्ल में है, लेकिन एरेज का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको इसमें आ रही। अच्छा ठीक है, ये जो आप लोग बताते भी जा रहे हैं ना साथ में कि जो जो एक्सप्लेन करना है, ये मैं जब क्या कहते हैं फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा तब इंशाल्लाह बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मेथड्स भी मैं आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ, तो अगर मैं अगर मेथड्स के चैप्टर पे आता हूँ तो मेथड्स का आपको मैंने बताया था क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स की भी दी थी मैंने कि फंक्शंस होते हैं, सब रूटीन फंक्शंस होते हैं और नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जो आपका कोई कोई ना कोई काम करें उसको मेथड भी कहते हैं, जो कोई ना कोई काम करके रिटर्न वैल्यू करता है उसको। मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी आपको बताया था, समझाया था। तो अगर मैं उसको इसकी एग्जाम्पल में जाता हूँ तो इसकी एग्जाम्पल में देखें कि ये फंक्शन का एक स्ट्रक्चर बताया हुआ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं अगर ये हाईलाइट करके देखता हूँ तो ये इसकी जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, कि पब्लिक है, स्टैटिक है। स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर्स कौन से होते हैं कि जो क्लास लेवल से एक्सेस होते हैं, जिनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। डबल इसकी रिटर्न टाइप होती है, फिर इसका फंक्शन का नेम आता है, फंक्शन के बाद फिर उसका सिग्नेचर होता है। पैरामीटर्स भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, सिग्नेचर भी कहते हैं। तो देर आर मल्टीपल नेमिंग कन्वेंशन कॉल दिस इन दिस मेथड। तो इसके अंदर जो है वो दो पैरामीटर्स हैं, और दो पैरामीटर्स इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं बॉडी में उसमें क्या किया हुआ है, दोनों को जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है और एरिया कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कराया हुआ है। चूंकि जो है वो ये डबल है, डेसिमल्स में वैल्यू आएगी तो डबल ही रिटर्न टाइप इसकी लिखी गई है। तो मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं, अपने काम को आसान कराने के लिए। क्लास में मल्टीपल काम आप अगर करवाना चाहते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ कॉन्केटिनेशंस हैं, मल्टीपल डेटाबेस से आपने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है या इंसर्ट करनी है, या देखेंगे जब हम डेटाबेस वाली क्लास करेंगे। मैंने एक वीडियो शेयर की भी थी कि फेसबुक ग्रुप पे भी उसको अपलोड किया हुआ, जिसमें मेरी एक वीडियो थी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू हम किस तरह जो है वो रहते हुए डेटा को सिलेक्ट करवाते हैं और इंसर्ट करवाते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक दो मेथड्स एक क्लास बनाई थी डीबी कनेक्शन की, तो उसको ज़रूर गो थ्रू कर लें। तो उसमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे कि भाई एक मेथड को हम सेम मेथड जो एक क्लास में लिखा गया था वो उसको बार बार हम यूज़ करते थे, सिर्फ अपनी क्यूरी चेंज करके दे उसको बताते थे और उस वो हमें डेटा मल्टीपल दे दिया करता था। ठीक है, फिर आ जाते हैं, आगे आगे बढ़ जाते हैं, क्विक गो थ्रू करते हैं। उसके बाद फिर ये सारा उसमें बताया गया, डिटेल्स बताई गई हैं। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएगा,
लेकिन ये यानी ये मैं इस ये मेथड्स तो बहुत बेसिक चैप्टर है, मैं इस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दूंगा और ना ही जो ऊपर चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका जो आएगा वो सी शार्प जो है प्रोग्रामिंग बेस पे जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मैं करवाऊंगा, जो टास्क आपको दूंगा, जो असाइनमेंट्स आपको दूंगा और जो चैप्टर्स में मेंशन करूंगा, एवरीथिंग इस आप लोगों को बता दी जाएगी, टॉपिक्स तक बता दिए जाएंगे और उस सिनेरियोज भी आ सकते हैं, वो भी मैं उससे रिलेटेड कुछ सिनेरियोज आपसे पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। तो पेपर के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखने हैं, आपने खुद एफर्ट करनी है। प्रोग्रामिंग जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी, खुद से विजुअल स्टूडियो खोल के आपने उसको जो है वो उसको प्रोग्राम्स को रन करना है, कंपाइल करना है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते रहते हैं, तो सब इसको कोई गो थ्रू करते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स बताए हैं, कंडीशन बताएंगे, फिर आगे चलते रहते हैं। हमारा जो टारगेट है वो चैप्टर 11 है, उसको भी मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। जो साथ में मैं जो है वो जो आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं वो भी मैं कोर्स आउटलाइन यार देखिए, मैंने ओप्स की अगर आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस ली हो तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने इनहेरिटेंस भी पढ़ा दी है, उसमें मैंने आपको जो है वो क्या कहते हैं इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ा दी है। हाँ, सी शार्प में उसको कैसे कोड करते हैं वो मैं डेफिनेटली जब हम उस क्लास में समझ भी नहीं आया था, तो जब हम कोड करेंगे उसकी यानी कि एग्जाम्पल्स को कोड करके हम जब देखेंगे तो उसे उसमें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक भी कर रहे हैं साथ साथ में। साथ साथ में भी करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं ये क्लास जो है क्या कहते हैं ये चैप्टर में ऑलरेडी यानी कि चैप्टर वाइज तो मैंने कवर नहीं कराया था, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने क्लास के दे दिए थे। क्लास क्या होती है, एक लॉजिकल टेम्पलेट होता है और ऑब्जेक्ट सबको अप्रूव कर दिया, बस दो रह गए। चलो एक सेकंड, सबको अप्रूव कर लेते हैं, कोई रह गया है अभी भी आ रहा है। ग्रुप पे भी अलाउ करें, ग्रुप पे भी अलाउ हो जाएंगे इरफान, जो जो जिन जिन की रिक्वेस्ट रह गई हैं उन सबको आप जो है ग्रुप पे अलाउ करवा लें, फेसबुक ग्रुप पे भी। अरे यार एक एक करके इतने आते जाओगे तो भाई क्लास कब स्टार्ट होगी। अच्छा तो जब भी आपसे मैं जस्ट क्विक रिकॉल कर रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई क्लास कहता है तो क्लास में मैंने एग्जांपल्स आपको पहले भी बताई थी कि क्लास इज ए लॉजिकल टेम्पलेट जिसको आप
इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग जिसको आप जो है वो टच करके देख सकते हैं या उसको उसकी फिजिकल फॉर्म को ही देख सकते हैं. तो क्लास क्या होती है? क्लास इज बेसिकली डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर आइटम. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैंने आपको एक एक बॉल पेन की या मार्कर की एग्जाम्पल दी थी. मैं आपसे कहता हूँ एक मार्कर होता है, उसकी जो है वो इतनी लेंथ होती है, हाइट होती है, उसका कलर ये होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बता दी थी. फिर उसकी फंक्शनैलिटी मैंने बताई थी कि वो ब्लैक में जो है राइटिंग पर्पज़ के लिए वो लिखा जाता है. तो अगर मैं उससे कहूँ कि ये तो ये मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं ये उसकी क्लास की चीज़ें हैं, क्लासेस क्लास के अंदर ही तमाम चीज़ें होती हैं. लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि वो बॉल सर मारकर दिखता कैसे, होता कैसे, मुझे उसको यूज़ करना है, तो यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. तो जो मार्कर का फिजिकल एग्जिस्टेंस फॉर्म में होता है जो आपको नजर आ रहा होता है, तो उसको जो है दैट इज एन एक्चुअली ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ क्लास, के उसके अंदर तमाम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो उस क्लास में लिखी गई हैं. फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करता है एज पर द क्लास जो उसके अंदर मेंशन की गई है. तो हम जो क्लास बनाते हैं और क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि अपने काम को रियूजबल बना सकें. तो इसकी मिसाल ऐसे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को, कब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? इरफान कंफर्म करें. ठीक है, चलो दैट्स गुड. तो ये था जो है ऑब्जेक्ट इन क्लास. अब हम आगे इसको पढ़ते हैं. इसमें पूरी डेफिनेशन से लिखी हुई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, विच यूजेस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस फॉर बिल्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इजी टू अंडरस्टैंड. एंड फिर आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया है. इज अ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट मॉडल्स, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर आल्सो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, पीपल, कार्स, गुड्स, परचेजेस. ये बेसिकली पीपल्स भी जो पीपल्स की क्लास होगी, उन जो लोग होते हैं वो जिसमें मैन है वुमेन है, तो मैन की एक क्लास है जिसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शनैलिटीज लिखी गई हैं. तो जब हम किसी भी मैन को देखते हैं तो वो एक्चुअली इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ऑफ अ मैन क्लास. इसी तरह से कार्स हैं. और इसी तरह से आपकी क्या कहते हैं, अलग अलग करे कार्स हैं. कार्स भी आप जब देखते हैं तो उसकी उसकी भी एग्जाम्पल इसी तरह से होती है कि आप उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मैं देखूं तो वो क्लास की सारी लिखी हुई होंगी, एक पेपर पे लिखी हुई होंगी कि भाई कार्स के जो है फोर व्हील्स होते हैं, उसके जो है फोर डोर्स होते हैं, इंजन होता है, तमाम चीज़ें. और अगर आप फिजिकल उसको देख लेंगे तो वो दैट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. अच्छा, इसी तरह से मैं डायरेक्ट इसके जो है वो कोड पे आता हूँ. कोड भी मैंने लास्ट टाइम जो है वो कराया था, ये देखें ना. अब ये कोड मैं सारा करवा चुका हूँ. अगर किसी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर बहुत डिटेल में कवर करा दी थी, कि जिसमें मैंने ये देखें ये क्लास है कैट के नाम से. और इसमें दो जो है इन्होंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, नेम एंड कलर. और फिर उसके ये जो इन्होंने बनाया है बेसिकली क्या बनाया है, उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी बनाई है. ठीक है, प्रॉपर्टी क्यों हम बनाते हैं? जस्ट टू रिकॉल कि अगर हमने अपने वेरिएबल्स को पब्लिकली एक्सेस नहीं देना है तो क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं ताकि उसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को गेट और सेट कर सकें. तो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी बेसिकली आप उसी नाम से बनाते हैं, बस उसमें कैमल केसिंग का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पे नेम स्मॉल कैरेक्टर से लिखा हुआ है,
यहाँ पे आप कैपिटल कैरेक्टर्स उसको लेते हैं और उसके अंदर दो उसके गेट और सेट के मेथड्स होते हैं. इनको मैं मेथड्स नहीं कह सकता लेकिन इट्स लुक लाइक मेथड बिकॉज दे रिटर्न द वैल्यू एंड दे डू ऑल्सो परफॉर्म सम टास्क. जैसे गेट वैल्यू क्या करता है, गेट वैल्यू जो है वो गेट का मेथड ये करता है कि आप इस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी यानी वेरिएबल होगा this.name से मुराद दिस जो कीवर्ड है यानी कि आप एक क्लास में रहते हुए अगर किसी भी वेरिएबल को आपने एक्सेस करना है तो वो यूजिंग दिस एक बिल्ट इन कीवर्ड है सी शार्प का, उसको जो है वो आप यूज करके उसके वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. और इसी तरह से अगर आपने सेट करनी है तो सेट जो है वो दिस डॉट नेम करके जो भी वैल्यू आप इसको देंगे एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम वो इसको सेट कर देगा. तो ये इसी के साथ इन्होंने कलर की भी क्या बनाई हुई है, प्रॉपर्टी बनाई हुई है और इसमें सिर्फ उसको जो है उसको भी गेट और सेट कर रहे हैं. फिर उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है. कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेथड होता है जो कि क्लास की स्टार्टिंग पे जब आप उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इसके बारे में बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है इसकी आप यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप पैरामीटर्स दे सकते हैं. अच्छा ये इसकी पहचान क्या होती है, इज अ सिमिलर टू द नेम ऑफ क्लास, जो आपकी क्लास का नेम होगा उसी नाम से ये मेथड होगा. इसमें उन्होंने सिंपल ये किया हुआ है इसको कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया कराया हुआ है. अच्छा ये भी थोड़ा सा सेटिंग में इसे देख लेता हूँ. ठीक है ये भी मैंने सही कर दिया, अब कोई इसमें जो है वो नहीं कर सकेगा. अच्छा तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है ठीक है. अच्छा और कॉपी कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर जैसे कि मैं आपको बता रहा है इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं. कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल ये होता है कि वो सेम कंस्ट्रक्टर होता है मगर उसके अंदर आप जो है वो वेरिएबल्स जो है वो पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं. यहाँ पे आपने हार्ड कोड कर दी थी वैल्यूज ठीक है, जब क्लास बने तो जो और यहाँ पे इन्होंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे वो इन वैल्यूज से अननेम्ड एंड ग्रे से इनिशलाइज हो जाएं. और कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप ये कहते हैं कि जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाए रन टाइम पे तब वो जो वैल्यूज देगा वो यहाँ पे आके इसको इनिशलाइज करें इन वेरिएबल्स को. तो इसलिए जो है ये कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स यूज किया जाता है. फिर उन्होंने एक मेथड बनाया है सेम, अच्छा ये कैट की क्लास है तो सेम यहाँ उन्होंने एक मेथड बनाया तो उसमें उन्होंने कंसोल डॉट राइट लाइन करके जस्ट एक प्रिंट करवाया हुआ है. सी में आप क्या करते थे, प्रिंट एफ करते थे, यहाँ पे आप क्या करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन. कंसोल एक क्लास है, अभी हम विजुअल स्टूडियो में देखेंगे, आप इसको कोड को कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा. कंसोल एक क्लास होती है, इसके अंदर एक मेथड है राइट लाइन का जो पैरामीटर लेता है और वेरिएबल लेता है, उसके मल्टीपल ओवरलोड्स हैं. तो अपने वैल्यूज आपने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, आप यहाँ और कॉमा दे के वेरिएबल का नाम दे दिया. तो अब ये तो क्लास आपने बना ली सेपरेट, अब आप क्या करेंगे इस क्लास को आपने यूज करना है. तो यूज कहाँ करते हैं, आपके जब कंसोल मैं जरा ना एक काम ही करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो में हमने ये विजुअल स्टूडियो में भी जब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो ज्यादा इजीली समझ में भी आ जाएगा. लेकिन जब भी हम कंसोल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें जितना भी हमारा काम होता है जो रन होता है वो रन जो उसकी क्लास होती है उसका नाम होता है प्रोग्राम डॉट सी एस. प्रोग्राम डॉट सी एस क्यों ये ऐसी होती, क्योंकि इसके अंदर जो है एक मेथड होता है मेन का. तो ये वो क्लास है जो सबसे कंपाइलर जो है उसको रन करता है और इसके मेथड मेन को रन करता है. तो इस मेन के अंदर जितना भी हमने काम किया हुआ होगा वही रन होगा, इसके अलावा और कुछ रन नहीं होगा. तो ये मेन का मेथड है. अब जो हमने क्लास ऊपर बनाई थी अब उसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लास को हमने यूज इसलिए करना है कि यहाँ पे जो मेन का मेथड है इसमें हम जो भी लिखेंगे वही जो है कंपाइल होगा और रिजल्ट्स उसके सामने आएंगे. तो क्या करते हैं यहाँ पे पहली लाइन में इन्होंने जो है वो कैट की क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ और फर्स्ट कैट इज इक्वल टू न्यू. न्यू जो है वो एक कीवर्ड है, क्यों यूज करते हैं, जब भी आप
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये न्यू का कीवर्ड का आप यूज करेंगे, इसके बगैर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे ही इन्होंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट कैट के नाम से, तो सी शार्प के अंदर डॉट जो है वो एक ऐसा सिंबल है जिसके थ्रू आप उस क्लास की पब्लिक पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने फर्स्ट कैट डॉट नेम यूज किया है, वेरिएबल यूज नहीं किया है। वेरिएबल क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे नेम जो है वो वहाँ पे क्लास में जो नेम है वेरिएबल वो प्राइवेट है, तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें वो वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी थी नेम की वो यहाँ उन्होंने एक्सेस करी और उसको इनिशलाइज कर दिया इस न्यू वैल्यू से और उसका एक मेथड सेम म्याओं का कॉल करवा लिया। इसी तरह से इन्होंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया सेकंड कैट का। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर था, और ये कि लाइव प्रैक्टिकल वाला जो है ना, मैं आप पहली वीडियो देख रहे हैं उसमें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं सिर्फ एक गो थ्रू रिकॉल कर रहा हूँ ठीक है, ताकि आप जो है वो दोबारा से उसको रिकॉल कर लें। तो उसमें उन्होंने सिंपल उसका कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, उसमें वैल्यूज दी और उसको मेथड कॉल कराया, और आप यहाँ पर खुद भी इन्होंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के दोनों जो है पहले सेकंड का नाम प्रिंट करवाया और उसका कलर प्रिंट करवाया और उसका रिजल्ट ये आएगा। अब आप इस सिंपल आपने करना ये है कि आपने, मैं बता भी देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है, कि आपने विजुअल स्टूडियो खोलना है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नाम लेते हैं हम, नाम इसको दे देते हैं ऑनलाइन क्लास टू ठीक है। ठीक है जना, तो जब आपके पास ये स्क्रीन इस तरह, जब आप कंसोल पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस तरह वो प्रोजेक्ट आ जाएगा। राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो होगी, जो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप कोई भी कंसोल के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक क्लास प्रोग्राम डॉट सी एस की बना के देता है और उसके अंदर एक मेथड होता है मेन का, ये वो मेथड है। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वही प्रिंट होगा कंसोल एप्लीकेशन पे। इसमें अभी मैंने सिर्फ इसको बनाया है और इसको मैं जो है वो डीबग करके दिखा देता हूँ, तो जो वैल्यू होगी वो सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। कंसोल डॉट रीड लाइन में इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं अपने आउटपुट स्क्रीन को रोक सकूं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और उसको हमने रन कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इसका आउटपुट नजर आ गया होगा हेलो वर्ल्ड का। अब हम क्या करते हैं, जो आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने सिंपल बुक से किस तरह से कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रन करना है ताकि आप ज़्यादा उसको अपने प्रैक्टिस कर सकें और उसके अंदर कुछ जो मैं टास्क आपको दूँ उसमें आप उसको इन्हेंस करके दोबारा सही से कर सकें। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप, अगर मैं बुक में दोबारा जाता हूँ, क्या आप एक क्लास बनाए ठीक है कैट के नाम से, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम भी कर सकता हूँ, और लास्ट में ही मुझे दे रहा है क्लास, मैं क्लास भी बना सकता हूँ। मैं डायरेक्ट मैं न्यू आइटम करता हूँ ताकि आप लोग को इजीली
हो सके, और इसमें मैं क्लास सर्च करता हूँ, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं कैट, CAT कैट। इन्होंने यहाँ पे उसको पब्लिक दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट सी शार्प के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इसके कोड को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई एरर नहीं है। बिल्ड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी आप दबाएंगे तो ये जो है वो आपको बिल्ड कर देगा। ठीक है, कोई एरर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मजीद कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमने जो है वो और क्या है यहाँ पे इसका सेट के पैरामीटर, इसको ठीक है भाई, कलर वाली की प्रॉपर्टी भी बन गई। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, कंस्ट्रक्टर्स कॉपी कर लेते हैं। ये पहला कंस्ट्रक्टर कॉपी हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से मेथड जो बनाया है वो कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं कमेंट्स चैट नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, हमने मेथड भी कर लिया, अब हम जो है मेन में आ जाते हैं। तो मेन में कहाँ है हमारा मेन का, मेन का मेथड हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास में, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा इसको मैं इन लाइंस को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं डिलीट ही कर देता हूँ, कंसोल डॉट रीडलाइन हमारा वैसे ही रहेगा। इसको हम कॉपी करते हैं। अच्छा मैं इसको खुद भी लिख के दिखा सकता हूँ, कैट देखें, ये कैट इसको थोड़ा सा इस तरह देखते हैं कि ये जो आप लोगों को ना ये सिंबल्स भी पढ़ने आने चाहिए, जैसे ये सिंबल है ना, ये सिंबल्स भी आपने पढ़ने आने चाहिए। जैसे मैं कैट लिखता हूँ, कैट क्या के मैं लिखता हूँ फर्स्ट कैट, यही है भाई। हाँ फर्स्ट कैट इज इक्वल टू न्यू, अब देखें न्यू क्या कीवर्ड आपने लिखा, उसके बाद वो खुद ब खुद उसने सजेस्ट किया कैट, और आपने उसको जो है कंस्ट्रक्टर उसका कॉल कर लिया। ये जो अभी हमने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है हमने, ये वाला कैट वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज क्या हो गई, अननेम्ड एंड ग्रे। अच्छा ये कैसे होगा थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ, बहुत मजे की बात है कि इसमें इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन अगर हम करते हैं, देखिए मेथड में आके ना पहले हम प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन क्या था कलर। अच्छा आफ्टर, फिर इसको लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम देखेंगे अभी मैंने सिंपल इसमें क्या किया है कि पहले इनकी कोई भी, अगर मैं इनकी वैल्यूज ना यहाँ डिफाइन भी कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट,
मैंने इसके सिंपल इसके कंस्ट्रक्टर में जब हमने कुछ भी नहीं किया हुआ ना, तो यहाँ पे अगर इसको हम जो है चलाते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारे पास, मतलब किसको करते हैं। देखें बिफोर इनिशियलाइजेशन जो था ना, वो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि उसमें हमने कुछ वैल्यूज नहीं दी थी। तो जब हम स्ट्रिंग में सिंपल हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती, ब्लैंक होती है। और आफ्टर इनिशियलाइजेशन उसने क्या कर दिया, उनकी वैल्यूज को सेट कर दिया, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में कराया था। तो ये बेसिकली अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, अगर इसको देखें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन के मेथड में सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ नहीं किया। तो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो हमने देख लिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रिंट भी करवा के देख लिया ताकि हमें अंदाज़ा हो सके, हमें पता चल जाए कि भाई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो जो हमने उसके अंदर मेथड में जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी प्रिंट करवाया था, वो लिख दी थी। मैं यहाँ पे ना एक काम ही करता हूँ समझाने के लिए, ना यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नेम कलर, ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये जो है वो ब्लैंक वैल्यूज थी। देखें नेम एंड कलर, तो ये मैंने खुद से लिखा उसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा के, तो उसको जो है ना उसने ले लिया, लेकिन उसने एक्चुअल जो उसके अंदर वैल्यूज थी वो नहीं थी। इसको मैं यहाँ पे मजीद ही कर देता हूँ यही चीज, क्योंकि यहाँ पर हमने की थी ना। अब देखेगा सिंपल के वो, ये सिर्फ समझाने के लिए ठीक है। तो अननेम के साथ नेम भी आ गया और ग्रे के साथ कलर भी आ गया जो हमने खुद से लिखा है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी, इसके हम क्या कर देते हैं। अच्छा मैं ये चीज़ दिखाना भी चाह रहा था कि फर्स्ट क्लास जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, अब जब मैंने डॉट के देखें, अब ये देखें कि जो मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है इस ब्रैकेट में। इसकी अगर हम ब्रैकेट को देखें तो ये जो विंडो है इसको इंटेलिजेंस विंडो कहते हैं, ठीक है। ये भी नोट कर लें, जब हम डॉट किसी भी वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हमें वही जो विंडो जो ओपन होती है उसको हम इंटेलिजेंस विंडो कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर बताई जा रही होती है कि इस क्लास के अंदर क्या क्या, तो ये बता रहा है इस क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। कैसे पता चला मुझे, उसके सिंबल से, ठीक है, ये जैसे सिंबल बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से इसके अंदर मेथड है सेम याओं का। और अगर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये क्या चीज़ आ रही है, इक्वल्स, कैट हैश कोड, कैट टाइप और टू स्ट्रिंग, तो ये बेसिकली जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डॉट नेट उसके इन बिल्ट इन फंक्शंस देता है। तो ये वो बिल्ट इन फंक्शंस है, तो इससे परेशान मत होइएगा। तो इसने जो है वो नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया हुआ है और उसको एक्सेस करने में उसको वैल्यू असाइन की हुई है, वैल्यू उसकी दी हुई है टोनी, ठीक है। मैं जस्ट कहूँ, और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास डॉट सेम में आओ, ये किया हुआ। अब मैं इसको जरा कर देता हूँ तो वो क्या प्रिंट होगा देख लें आप। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन है वो कैट टोनी सैड में आओ, ठीक है। तो ये किस तरह से आया, मैं इसको जरा दिखा भी देता हूँ कि जब इसने इस मेथड को कॉल किया मियाओं के मेथड को यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं आप कैट, और ये जो जीरो है ना, ये जो
ये जो जीरो है ये बेसिकली ये यहाँ पे ये कंपाइलर जब इसको रीड करेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे किसी वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जो अगर मैं आगे क्या कहते हैं मजीद वेरिएबल्स भी डालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्लैश करके वन, जैसे ज़ीरो है वन टू, इस तरह मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो कैट जो भी मैंने नेम लिखा था टोनी, टोनी सैड दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे बुक में और क्या एग्जाम्पल थी, हमने अब दूसरे कंस्ट्रक्टर को उसके लिए दूसरा मेथड बनाया और उसका जो है, ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनकी जो वैल्यूज थी उनको चेंज कर दिया और फिर उस मेथड को कॉल करवाया और उसके आगे जो है वो क्या कहते हैं, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये इन्होंने खुद से एक कंसोल डॉट राइट लाइन करवा के कैट जीरो यानी कि सेकंड कैट का जो नेम होगा प्रॉपर्टी में वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह से उसका जो वन में क्या होगा उसका जो कलर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो डीबग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाली चीज, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का जो है वो रिजल्ट है। तो कैट पेपी सैड म्याओ, ये सेम म्याओ वाला मेथड कॉल हुआ है और कैट पेपी इज रेड, ये जो हमने सेकंड लाइन हमने जो लिखी है वो मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इसको कमेंट कर देता हूँ बाकी सबको, ताकि आपके पास जो मेथड है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कमेंट के लिए सिंपल आप डबल कोट डबल स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, ये भी कर दिया और यहाँ पे आके इसको भी मैं मेथड को कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट जो है करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये कर रहा है क्लास का कि वो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल, जो सेकंड क्लास सेकंड कैट डॉट नेम है बेसिकली वो ये है, वो इस प्रॉपर्टी के इस मेथड को कॉल कर रहा है और वो क्या है, वो एक्चुअल वेरिएबल ही है रिटर्न में। इसी तरह से कलर भी, उसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसी तरह से कलर के भी एक्चुअल पैरामीटर प्रॉपर्टी सॉरी और उसके अंदर जो रिटर्न करवा रहा है उसका एक्चुअल वेरिएबल को। तो जब हम इसको चला लेते हैं कंट्रोल डिवर्क कर देते हैं, ओके अच्छा, तो यहाँ पे दो मर्तबा नेम आ गया था, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा, कैट एबीसी इज वाइट, ठीक है जनाब। तो ये क्या कैट एबीसी किस तरह प्रिंट हुआ, जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे दी थी, कौन कौन रखा है, इस तरह आते जाओगे तो कैसे कैसा चलेगा। खैर शुक्र एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो आप सबको मिल जाएगी, अपलोड भी हो जाएगी, मैं फिर भी द सेफ साइड सबको टाइम टाइम अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, जिस जिसका जो भी कोई इश्यूज हैं कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, क्योंकि आपका ये जो वीडियो है लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है इंशाल्लाह और एक से दो दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएगा ग्रुप पे भी और आपको जो है व्हाट्सएप पे भी इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट इंशाल्लाह।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है वो मेरे ख्याल में नमाज का वक्त भी होने वाला है, क्या टाइम हो रहा है अभी, है हमारे पास 15 मिनट है। ठीक है, तो ये देखें, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना, ये बहुत सिंपल मैंने आपको जो करके दिखाया है ना, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है। और अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कॉपी पेस्ट में कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि आप खुद से लिखें, ताकि जैसे मैंने लिख के दिखाया ना किस तरह से डॉट ऑपरेटर्स को पढ़ना आना चाहिए, विंडोज को, 3 IntelliSense विंडोज को, उसके वेरिएबल्स, उसके सिंबल्स को पढ़ना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसी तरह से ये सब बताया हुआ। देखें, ये स्टैक और हीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी कोई हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, स्पेशली जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो .NET की अपनी मेमोरी मैनेजमेंट है, स्टैक एंड हीप। बेसिकली इसको इस तरह से कहेंगे कि मेमोरी क्या होता है, जैसे SD कार्ड होता है, इसी तरह से .NET की अपनी स्टैक और हीप ये है कि कंटेनर है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्टैक एंड हीप। ठीक है, स्टैक के अंदर वो एक्चुअली क्या करता है, उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम होता है, और उसका जो रेफरेंस होता है वो हीप मेमोरी में उसका सेव हो रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से आप पढ़ें भी, तो द वेरिएबल सम कैट ऑफ टाइप कैट, यानी इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सम कैट के नाम से, वी असाइन द न्यूली क्रिएटेड इंस्टेंस टू द क्लास कैट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, द वेरिएबल सम कैट रिमेन्स इन द स्टैक एंड इट्स वैल्यू, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो हीप में होगी। यानी इसका इसकी एग्जाम्पल ये है। हाँ, मैं कोशिश मेरी यही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे मेथड में, अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ये जो कैट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था फर्स्ट क्लास, तो जो फर्स्ट क्लास का नाम है ना, ये स्टैक में आएगा। अच्छा, स्टैक में सिर्फ नाम क्यों आएगा, वैल्यूज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि स्टैक को बनाया इसलिए इस तरह से गया है कि उसके अंदर बहुत कम मेमोरी होती है। इसको इस तरह से समझे कि आपकी हार्ड ड्राइव और कैशे, अब मैं अगर से कैसे आपसे कहूँ कि 1 GB की जो है डेटा जो है वो आप कैशे में सेव करते हो, आप सर कहेंगे सर कैशे तो इसके लिए बनी नहीं है, कैशे का तो पर्पज़ ही अलग है। तो इसी तरह से स्टैक का पर्पज़ ही यही है कि उसके अंदर लेस मेमोरी होती है और वो जस्ट ऑब्जेक्ट्स के नेम उसके अंदर स्टोर होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितनी भी उनकी वैल्यूज होंगी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी, उस क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक क्लास में क्या क्या होता है, जैसे हमने देखा इस क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कहेंगी कहलाई जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पर सेव होंगी, हीप के अंदर। तो हीप को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वो जो है क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को रख रहा होता है। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों ये बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने एक और, ये एक सम कैट का नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, फिर इसी तरह से उन्होंने एक और भी ऑब्जेक्ट बनाया सम कैट को। देखो यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ गई है, कैसे उन्होंने बताया भी कि भाई नेम पहले जब इनिशियलाइज नहीं करवाया था, डिक्लेयर किया था, तो क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैट मेंबर्स थे। फिर जब उसको इनिशियलाइज करा लिया उन वैल्यूज को, तो जॉनी एंड ब्राउन, तो इस तरह से वो उसकी वैल्यूज भी उसके अंदर आ गई। फिर आगे चलते हैं, फिर उसने बताया भाई कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को नल दे दूं तो वो क्या कर देगा, उसकी हीप में से उसका रेफरेंस मिटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्सेस टू फील्ड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर वही बताया हुआ कि क्यों किस तरह से वो एक्सेस किए, सब मैं बता चुका हूँ। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना स्टैक ऑन हीप का, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से।
इसके अंदर अगर आ रहा है तो वो भी बता देता हूँ। स्टैटिक फील्ड्स मेथड शुरू हो गए, अच्छा स्टैटिक स्टैटिक देखेंगे, क्लास इन्होंने बनाई है ठीक है, उसका जो सीक्वेंस उसका नाम है, और इसमें एक प्राइवेट स्टैटिक इंट करंट वैल्यू, इन्होंने एक वेरिएबल जो है वो इनिशलाइज करवाया है डिक्लेयर करके जीरो वैल्यू के साथ, और उसका कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस क्लास को इसका ऑब्जेक्ट बनाने भी जाऊँगा ना, तो ये मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका कंस्ट्रक्टर उसको दिखेगा ही नहीं, न्यू करके आ गया कि भाई वो तो प्राइवेट हुआ हुआ है। तो फिर क्या ये नहीं कि इस क्लास का पर्पस क्या है? इस क्लास का पर्पस ये कि ये स्टैटिक वैल्यूज और स्टैटिक मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, तो इसलिए उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा हुआ है। जब भी हम स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स अपने यूज करते हैं तो ज़रूरी नहीं, उसका मतलब यही होता है कि हम उनको ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट क्लास लेवल से एक्सेस करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक, अच्छा उसको मेथड को पब्लिक होना लाजमी है ताकि आप एक्सेस कर सकें क्लास लेवल से भी ठीक है। तो स्टैटिक इंट नेक्स्ट वैल्यू कि उसमें उन्होंने वैल्यूज को यूज किया हुआ है और रिटर्न करा हुआ है, यानी कि करंट वैल्यू में इंक्रीमेंट करवाया, और उसको ये जो प्लस प्लस है ना ये अगर आगे लगते हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर ये इसको पहले लगाते हैं वेरिएबल से इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ठीक है। इसको हम फॉर के लूप में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें देखेंगे, इसको रिटर्न करा दिया ठीक है। अब देखें इसको मेन के अंदर इन्होंने क्या किया, स्टैटिक मेथड है और तो इन्होंने क्या किया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, मेन में आए और क्या लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन सीक्वेंस, ये इन्होंने यहाँ तक लिखा, फिर 0 1 2। ये क्या, ये क्यों हम करते हैं? हमने देखा था कि जब भी हमें किसी क्लास की प्रॉपर्टी या वेरिएबल को एक्सेस करना होता है प्रिंट करवाना होता है तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं, तो कॉमा डाल के जो इन्होंने नेक्स्ट वैल्यू मेथड कॉल किया हुआ है, तो ये देखें ना सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, ये डायरेक्ट क्लास का नाम है ठीक है, यानी कि मेरी क्लास का नाम सीक्वेंस है, और डायरेक्ट उन्होंने नेक्स्ट वैल्यू डायरेक्ट उस मेथड को एक्सेस किया हुआ है ठीक है। इसकी मिसाल में आपको जो है इसको लाइव डेमो भी दे देता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। मैं यहाँ पे एक क्लास जल्दी से बना लेता हूँ अच्छा, और ठीक है तो क्लास हमने गाइस सामने बना लिया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसका मेथड हम इसको कॉपी करते हैं। अच्छा मैं खुद से लिख के दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं पहले इसको प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। सीक्वेंस क्लास है, ये देखें क्लास आ गई। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता ए बी सी करके, मैं इसको अगर मैं न्यू करके जाऊँगा तो मुझे सीक्वेंस ये जो नज़र आ रहा है ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये एरर क्या दे रहा है मुझे, सीक्वेंस कंस्ट्रक्टर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ये प्रोटेक्शन लेवल क्या है, ये प्रोटेक्शन लेवल ये है कि हमने इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक होता है जब भी, तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तो अब ये एरर हट जाएगा, देखें ये सारा। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई अगर मैं किसी भी कंस्ट्रक्टर, किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर दूँ तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको डॉट, अब देखें ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक मेथड का नाम है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर, और वो है भी पब्लिक ठीक है। तो जान का बस ये भाई इन इसको क्या कहते हैं क्लोज कर रहा हूँ ठीक है। ये हमारी क्लास या स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक मेथड्स पे कंप्लीट हो जाएगी,
तो यहाँ पे जो मैंने ये नेक्स्ट वैल्यू हमने बनाया मेथड बनाया है उसमें हमने प्रिंट करवा के उसको रिटर्न करवा दिया है, तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू को उसको यहाँ से डायरेक्ट क्लास लेवल से कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है। अच्छा ये चूंकि एक वैल्यू रिटर्न करता था तो इसलिए जो है ना वो इन्होंने उसको प्रिंट करवाया था ताकि आप देख सकें उसको। क्या होगा होगा क्या, इस करंट वैल्यू क्या थी, जीरो थी, वो उसको प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। तो इस करंट वैल्यू में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वन है ये बेसिकली हमारे जो भी हमने कोड लिखा है उसका रिजल्ट। मैं इसको जरा जो हमारी दूसरी लाइन थी उसको कमेंट कर देता हूँ ताकि दोबारा से प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन आनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो वन आ गई। तो हमने देखा कि भाई वो मेथड्स अगर हमें क्लास लेवल से करवाने होते हैं तो हम उनको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, उनकी टाइप पब्लिक होनी चाहिए और उसको हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उसको डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की क्लास को यही हम कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं। और क्या कहते हैं, क्लास रेगुलर तो जो है वो मैं इसकी टाइमिंग शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह आप लोगों से। ठीक है, और अभी तो मुझे कहा गया है कि भाई फ्राइडे फ्राइडे क्लासेस लें, और फ्राइडे के बाद इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि बीच में अगर किसी को कोई समझना हो तो बीच में वीकडे में या वीकेंड में मैं क्लासेस ले सकता हूँ एज पर योर रिक्वेस्ट या आप लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल होगा। ठीक है, ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल इस कोर्स को हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो वीडियो आपको मिल जाएगी और जो भी टास्क होगा आपका वो आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। जो असाइनमेंट होगा वो भी आपको वहाँ पे फेसबुक पे ठीक है पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है ताकि, और जब तक आप खुद नहीं परफॉर्म करेंगे विजुअल स्टूडियो में इसको रन करके आपको समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक खुद से करेंगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इंशाल्लाह आप लोगों का। ठीक है, तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।